साईं बाबा कुष्ठ आश्रम गुरुग्राम के अंदर आज ऑल इंडिया स्किल एंड रिसर्च फाउंडेशन के अध्यक्ष एमपी शर्मा जी के साथ में कई गणमान्य लोगों ने मिलकर के खाने की सामग्री का दान किया। इससे दान के लेने के उपरांत इन लोगों के चेहरे पर खुशी के भाव उत्पन्न हुए और साथ ही उन्होंने लोगों को दुआएं भी दी। साथ ही एमपी शर्मा और उनके साथ आए हुए अन्य लोगों ने जो यहाँ पर अन्नदान किया उसके बारे में उन्होंने बताया कि वह चाहते हैं कि गुरुग्राम के और भी लोग इस तरह से आकर के एक साथ मिल करके यहाँ पर अन्नदान करें और साथ ही इस तरह के जो अन्य परिवार हैं उनको भी दान करें। देखिए ये खास खबर। धन्यवाद। शर्मा जी को याद करें, वो हम कोशिश करेंगे आपको उसको जोड़ करके सबको साथ करें। और मेरे को लगता है कि दो पेड़ संजो सब लोग मिलजुल करके इसी तरह से परिवार के हम लोग आगे। ये हमारे प्रधान जी हैं मुरली जी, ये सबका ध्यान रखते हैं, इनकी एक आवाज़ पे सब लोग इकट्ठे होते हैं। सबसे अच्छी बात जो लगता है कि सब लोग इनको अपना अपना मानते हैं, अपना बड़ा मानते हैं। वैसे शर्मा जी ने जो मतलब हमारे को भी एक पत्र मिलता है कि हाँ भाई इनकी जो सबसे अच्छी बात लगती है कि आखिर तक जाने की कोशिश करते हैं, जो ज़रूरतमंद है वहाँ तक पहुँचने की। और उसके अलावा जो महाराज जी जो कहना जिन्होंने कही कि वही बात मैं बस आके कहना चाह रहा हूँ, और कुछ हो तो शर्मा जी आगे भी कोई दिक्कत नहीं। बोलो मत, हिंदू मर जाता है तो बोलते राम नाम सत्य है। राम नाम सत्य तब है जब हम जिंदा जी भगवान का नाम ले। तो हमारे शास्त्रों में भी बोला गया हरि नाम नंबर आएगा नंबर से दे माता जी। कल्पना जी हरी जी श्री सूरज जी, मिस शोभा, कांता जी आप इस आश्रम में रहते हैं, आज आपको ये कुछ प्रसाद के लिए मिला है तो कैसा लग रहा है? अच्छा लग रहा है। ये संस्था में पहली बार आए हैं? ये संस्था में पहली बार आए हैं। क्या बाकी लोग भी आते हैं इस तरह से आपकी मदद करने के लिए? बाकी लोग भी आते हैं, बाकी मदद करते हैं हमको। हमारा तो ज़्यादा तो इसी के ऊपर है, जो लोग आते हैं हमें देते हैं इसी के। कितने सालों से आप यहाँ रह रहे हैं? कोई काम करते हैं, बच्चे करते हैं, जो कोई हार्डवेयर वाले हैं वो भी काम पे जाते हैं। कितने साल से रह रहे हैं यहाँ पे? 25 साल। तो क्या आप अपने परिवार के साथ यहाँ रहते हैं या परिवार से अलग रहते हैं? नहीं जी, परिवार के साथ। आपका परिवार ही आपके साथ यहाँ रहता है? परिवार। चलिए, यहाँ पर एक ही कास्ट से लोग हैं? सब कास्ट के, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सब कास्ट के, सब अपने भाई भाई। कितने सालों से हैं आप सब लोग? सफाई रोजी रहती है, सब एक दूसरे की मदद करते हैं, एक दूसरे सफाई में लग जाते हैं। सारे जो भी एक रोटी भी आएगी तो सब 10 टुकड़े करके बांट के खाते हैं। आपको कितने साल हुए यहाँ? 35 साल। धन्यवाद आपका। मेरा नाम रविंद्र गुप्ता है।
मैं गुड़गांव का ही रहने वाला हूँ, भोजराज एजेंसी। सर आपकी जो संस्था है इसके अंदर आपने आज ये कुछ दान किया है, तो उसके बारे में बताइए। ये हमारे एमपी शर्मा जी हैं, इनकी जो इन्होंने एक संस्था खोली हुई है, इनके अपने माध्यम से इन्होंने हमारा और भला करा दिया। तो यहाँ पे ये शर्मा जी ऐसे कार्य करते रहते हैं, बार बार बिल्कुल जो अंतिम व्यक्ति जिसको ज़रूरत है वहाँ तक शर्मा जी मदद पहुँचाने की कोशिश करते हैं, तो आज हमें भी सेवा का मौका मिला है। शर्मा जी जैसे तो हम दोनों कंधे से कंधा मिला के हम चाहते हैं कि हम इस काम में आगे बढ़ते रहें, और जितनी भी मतलब हमारा मेन यही है कि जिसको जरूरत है उसको जरूर मदद। जय हिंद जय भारत। आप देख रहे हैं अजय भारत न्यूज़, और आज हम आए हैं साई बाबा कुष्ट आश्रम में, जहां पर एमपी शर्मा जी ऑल स्किल एंड रिसर्च फाउंडेशन के अध्यक्ष हैं। उनके द्वारा और उनकी टीम के द्वारा, कुछ गणमान्य लोगों के द्वारा आज भोजन की सामग्री, जो सूखी सामग्री है, वो वितरित की गई थी इस आश्रम के अंदर, जिसके पाने के बाद में यहाँ पर रहने वाले जो परिवार है उनके चेहरे पर प्रसन्नता के भाव तो हैं ही। साथ ही हम जानना चाहेंगे शर्मा जी से कि शर्मा जी कब से इस तरह के कार्यक्रम आप करते आ रहे हैं। ऑल स्किल एंड रिसर्च फाउंडेशन तीन तरह की एक्टिविटीज़ का, एक तो वेलफेयर एक्टिविटीज़ है जी, और दूसरा जो है स्किल डेवलपमेंट के लिए, और तीसरा जो है समता संवर्धन जी। तो वेलफेयर में जो हर सर्द ऋतु में हम लोग सब लोगों को जोड़ने का प्रयास करते हैं जी, इसमें एक तो ब्लैंकेट देते हैं, कुछ गर्म कपड़े का डिस्ट्रीब्यूशन करते हैं, कुछ राशन में जैसे मस्टर्ड ऑयल है, 10 किलो आटा का बैग है, और उसके साथ में कुछ खाद्य सामग्री और। पिछले साल हम लोगों ने 4 कैंप किए थे, एक लक्ष्मण विहार में किया था, और उसके साथ में एक देवीलाल कॉलोनी में किया था, और एक हमने कुष्ठ आश्रम आरकेपुरम, और इस बार भी हम आरकेपुरम जीवनदीप आश्रम में कर चुके हैं। 70 फैमिलीज को हमने वहाँ पर सहयोग राशि में तो जो भी सहयोग देने का एक हाथ बनाया है, और अब दूसरा जो कैंप है आज यहाँ पर हुई है, हमारे रविंद्र प्रभु जी हैं जो आज मुख्य अतिथि के रूप में, नरेश बंसल जी जो समाज सेवी हैं वो भी यहाँ पर इस कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे हैं। आशुतोष जी हैं, अशोक भारद्वाज जी हैं, नवीन खन्ना जी हैं, चौहान साहब हैं, मनीष यादव जी हैं, और हमारे प्रदीप यादव जी हैं, बहुत सारे साथी जो हमारे गो प्रेमी सांगली जो सब लोग थोड़ा थोड़ा सा कंट्रीब्यूट करके इस प्रकार के कार्य करते हैं। और एक सबसे बड़ा खूबसूरती इस बात की ये है कि हम लोग के जो कार्यक्रम करते हैं सब कॉन्ट्रीब्यूट जी, किसी एक व्यक्ति का नहीं, कोई 4 ब्लैंकेट दे रहा है, कोई 4 आटे की बोरी दे रहा है, कोई मस्टर्ड ऑयल दे रहा है, कोई इस तरह से हर आदमी अपनी श्रद्धा अनुसार और अपनी पॉकेट के अनुसार सब अपना दान करना चाहिए, बिल्कुल सही बात। और 1 तारीख को हम लोग सूर्य विहार में जी ये कैंप करने जा रहे हैं, जिसमें 70 परिवार लाभान्वित करने का प्रयास है। उसमें सबसे बड़ी जो हम लोगों का जो एक खूबसूरती इस कार्यक्रम की ये है, हमें कोई ऐसे जा करके नहीं पा, उसका प्रॉपर तरीके से सर्वे करके उनके फैमिलीज का उनका जो है आइडेंटिफिकेशन करते हैं, लिस्ट तैयार करते हैं। जैसे आज यहाँ पर 16 फैमिली हैं तो उन लोगों का हमने लाभान्वित किया, वहाँ पर 70 जो परिवार हुए या तो वो कोई विडो हो या डिसेबल्ड जो विकलांग महिला हो या पुरुष हो या उनके परिवार में कोई भी आदमी काम करते हैं, जो भी जरूरतमंद है उन सबकी आप सेवा करते हैं, उन्हीं लोगों की सेवा। और एक और चीज़ हम वहाँ पर जोड़ने का प्रयास कर रहे हैं, जो गऊ के लिए जो जो चार हम रोटी निकालते हैं उस बहुत बड़ी सेवा करते हैं, रथ लेकर के सारा दिन भर जाते हैं, 1 रुपया 1 रोटी 1 रुपया 1 रोटी, लेकिन उनकी जो उनका परिवार है लेकिन उन तक वो नहीं मिल पाता साथ जी, उनके परिवार को हम लोग उनके लिए भी एक हाथ बढ़ाना चाहते हैं, उनको भी लाभान्वित करना चाहते हैं। छोटे छोटे एक प्रयास हम लोग जो ऑल स्किल एंड रिसर्च फाउंडेशन जो कल्याणकारी कर रहे हैं, इस बहुत अच्छी बात है शर्मा जी, जिस तरह के आप कार्य कर रहे हैं आपसे प्रेरणा लेकर के दूसरे लोग भी इस तरह के कार्यों में आ गया है, यही हमारी सोच है। आप देखते रहिए हमारा चैनल, जय हिंद जय भारत।